أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاء के नबी है वो जादू नहीं है, वो हकीकत है।
वो अल्लाह की तरफ से मामूर मिनल्लाह है, उनको अल्लाह ने भेजा है। जो मूसा अलैहिस्सलाम की दावत है वो दावत बिल्कुल सही है, वो दिल से जान गए थे, लेकिन फिरौन के रोब से उसके दबदबे से मुकाबले में तो आ गए, लेकिन जब अपनी आंखों से मुशाहिदा किया तो फिर फिरौन का डर वगैरह सब खत्म हो गया। तो बेसाख्ता कह उठे कि हम ईमान लाए मूसा पर और मूसा के रब पर, मूसा और हारून के रब पे हम ईमान लाए। अब फिरौन का जो रोग था दबदबा दिल से वो खत्म हो गया। जब मूसे को देखा अल्लाह पे ईमान ले आए, जब अल्लाह पे ईमान ले आए अब फिरौन ने उनसे क्या कहा, उनको क्या आजाब दिया। قال آمنت له قبل أن آذن لكم فرعون ने उनसे कहा कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए, तुमने मेरी इजाजत का इंतजार भी नहीं किया इससे पहले कि तुम मेरी इजाजत लेते तुम ईमान लेके आ गए, तुमने मेरी इजाजत का इंतजार ही नहीं किया। जब जादूगरों ने देखा मोजे को बेसाख्ता कह उठे, उनका जिस्म का रुआ रुआ कह उठा कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, उस अल्लाह पर जो मूसा और हारून का रब है। जब फिरौन ने ये देखा तो फिरौन को गुस्सा आया, फिरौन ने कहा तुम्हारी ये हिम्मत तुम्हारी ये जुर्रत, मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम मूसा के रब पे ईमान लेके आ गए हो। إنه لكبيركم الذي علمكم السحر بلا شبہ بات یہ ہے تمہیں جن سے علم ملا، تم نے جو علم سحر ہے جادو کا علم سیکھا اور تم نے انتظار نہیں کیا اس کا لحاظ نہیں کیا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ پس میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں، ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کی ترتیب یہ ہوگی، اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا اس کے ساتھ بایاں پاؤں کاٹوں گا، اگر بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں کاٹوں گا، اس کی ترتیب یہ ہوگی۔ پھر یہ بس نہیں ہوگا، پھر میں تمہیں کھجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا ایسے کہ جیسے صلیب پر پھانسی دے دیتے ہیں، دونوں ہاتھ کھول کر تمہیں ایسے پھانسی دوں گا میں۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ موسیٰ کا رب کے عذاب بڑھ کر ہے یا میرا عذاب بڑھ کر ہے اذیت میں تکلیف میں۔ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں تمہیں اتنے اذیت والا عذاب دوں گا، اتنا دردناک عذاب دوں گا کہ میرا عذاب بڑھ کر ہوگا کہ موسیٰ کے رب کا عذاب بڑھ کر ہوگا۔ بہت بڑی بات کہتے ہیں، اس نے اپنا رب رب کہہ رہا تھا نا وہ، اور کہنے لگا کہ ایسا عذاب دوں گا کہ یکدم تمہاری موت نہیں ہوگی، عذاب و ابقا جو تمہیں اذیت میں مبتلا کر دے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات جادوگروں نے جواب دیا آگے سے، اب فرعون ڈرا رہا ہے، جادوگروں نے جواب دیا کہ جب ہمارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیلیں آ گئیں، اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے آ گئیں، والذی فطرنا فاقضی ما انت قاض اس رب کی طرف سے جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، سبحان اللہ،
उस रब की तरफ से जिसने हम सबको पैदा किया है, जब उसकी निशानियां हमारे सामने आ गई तो हमें कोई खौफ नहीं है तुम्हारे फैसले का, तुम्हारे अजाब देने का। तो कौन सा हमें अजाब देता है? हमें तुम्हारे अजाब देने की परवाह नहीं। इतनी बड़ी निशानियां हमने अपनी आंखों से देख ली है, हमें तुम्हारे अजाब की कोई परवाह नहीं है। इन्नमा तक्दी हादिहिल हयातद दुनिया, तेरा अजाब की मुद्दत क्या है? तेरा अजाब कब तक होगा? तू जो अपने आप को रब कहता है, तेरा अजाब कब तक होगा? कि जब तक हमारी आंख बंद नहीं होती, बस इतना ही अजाब देगा ना। हमारी जान है कितनी सी जान है, जब रूह परवास कर जाएगी हमें कोई फिक्र ही नहीं है। तेरा अजाब दुनिया तक महदूद है, तेरा अजाब दुनिया तक महदूद है। और अल्लाह का अजाब जो है, जो ईमान की हालत में गया वो कामयाब हो गया, जो बगैर ईमान के गया ना वो मरेगा ना वो जिएगा, वो अजाब हमेशा का है। तेरा अजाब थोड़ा सा है बस, हम तेरे अजाब से नहीं डरते। इन्ना मन्ना बिरब्बिना लियगफिर लना खताया, हम ईमान ले आए उस रब के ऊपर जो रब माफ करने वाला है, वो हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, वो हमारे गुनाहों को माफ फरमा जो हमने इससे पहले किए हैं, हमारी तमाम खताओं को माफ फरमा दे। वमा अकरहतना अलैहि मिनस सिहर, और जो जादू तूने हमसे करवाया है और पहले जादू तुमने करवाए हैं, अल्लाह उन सबको माफ फरमा दे। जादूगर फिरौन के मुकाबले में खड़े हैं, क्या कह रहे हैं? हम तेरे अजाब से नहीं डरते, तेरा अजाब दुनिया तक महदूद है, हम ईमान लाए हैं उस रब के ऊपर जो रब हमारी खताओं को माफ करने वाला है, हमारी लग्जिशों को माफ करने वाला है, हमारे उस जादू को माफ फरमाए जो तुमने हमारे हाथों से करवाया है। वल्लाहु खैरुन अबका, अल्लाह की जात बेहतर जात है, तू कुछ भी नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं है। अल्लाह की जात हमेशा से है, हमेशा कायम रहने वाली है, हई है और कयूम है।